बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में बवेरू पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ हरदौली गांव में आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च करने के लिए निकले थे। साथ ही साथ गाँव में उन्होंने गौ तस्कर गौवंश को काटने वाले व अपराधी और व हिस्ट्री सीटरों के घर पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने हिदायत दी कि गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखें, अगर कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में शामिल होगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन पर गौवंश अपराधी हिस्ट्री सीटों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें अपराधियों के घर घर जाकर चेकिंग की गई और जानकारी ली गई कि मौजूदा हालात में वह कहाँ पर है। इसकी जानकारी परिजनों से ली, उनके परिजनों के साथ फोटोग्राफ किया गया, मोबाइल नंबर लिया गया और अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी ली गई। आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गांव में पैदल मार्च किया गया था। इस मौके पर क्राइम इंस्पेक्टर निर्मल कुमार वाजपेयी, उप निरीक्षक राकेश यादव, तुषार श्रीवास्तव, कांस्टेबल राहुल राठौर, धर्मेंद्र सिंह, राहुल साहू, विवेकानंद, यूनिस खान आदि पुलिस बल मौजूद रहा। ये हमारे उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गोवध से संबंधित अभियुक्तों, हिस्ट्री शीटरों तथा अन्य सभी प्रकार के अपराधियों की चेकिंग कराई जा रही है तथा उनके मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स, वर्तमान में उसकी सक्रियता है, कहां पर रह रहा है, इन सब की जानकारी हेतु एक बृहद कार्यक्रम आज इस गांव में चलाया गया है। इसके साथ ही आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए भी गाँव में पैदल गश्त किया गया। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।